हे गाइस, वेलकम टू द जी टेक गेमिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 5 बेस्ट गेमिंग माउस के बारे में, जिनका प्राइस अंडर 1500 रुपीज़ होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने बताया था कि उसमें 500 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने गेमिंग माउस लिए हैं लॉकडाउन के बाद थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा हो गई है, तो इनका जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़ होने वाला है। लेकिन आपको कभी कभी जो डील्स आती हैं आपको अमेज़ॉन पे, उसमें आपको 500 रुपीज़ टू 1200 रुपीज़ तक की भी देखने को मिल जाते हैं ये माउस। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो करते जल्दी से स्टार्ट। अगर आपका भी इंटरेस्ट हो गेमिंग और टेक कंटेंट है तो आप मेरे चैनल पे आइए एंड सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। वीडियो करते जल्दी से स्टार्ट। मेरा नाम है जकी खान और आप देख रहे हैं द टेक गेमिंग चैनल। नाउ बात करते हैं हम लोग अपने पहले माउस के बारे में। तो पहले माउस का नाम है चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला चिप्ट्रॉनिक्स अल्फा एक्स। बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको आरजीबी मोड देखने को मिल जाते हैं, 7 कलर के आरजीबी मोड देखने को मिलते हैं। और जो डीपीआई सेटिंग्स है इसकी वो 6400 तक की आपको डीपीआई सेटिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस दे देंगी। और बात करें अगर इसके केबल वगैरह की, तो आपको 1.8 मीटर का आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाता है। और बाकी कुछ बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ग्रिप वगैरह आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। 7 आपको प्रोग्रामेबल एडजस्टेबल बटन भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा आपके लिए माउस हो सकता है। बात करें इसकी प्राइसिंग, तो 800 रुपीज़ का माउस देखने को मिल जाता है, अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो माउस है अभी तो फिलहाल आपको 800 रुपीज़ का अमेज़ॉन पे देखने को मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ से। लेकिन जब डील्स आती हैं कभी कभी आपको ये 600 रुपीज़ तक का भी देखने को मिल जाता है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये भी एक अच्छा माउस हो सकता है आपके लिए। नाउ हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड माउस के बारे में। तो वो आता है रेड गियर की तरफ से, रेड गियर X12 प्रो। बात करें इसके बारे में, तो जो RGB वो तो देखने को मिल जाती है, लेकिन जो आपको हर तरफ RGB देखने को मिलती है वो नहीं मिलती है। जो इसका लोगो है वहाँ पे आपको RGB देखने को मिल जाती है। एक तरह से जो इसका डिज़ाइन और लुक है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक आपको देखने को मिल जाता है। जो बंदा चाहता है कि मतलब ज़्यादा RGB ना हो और मतलब सिंगल आपको अच्छी एक छोटी जगह पे RGB मिल जाए, इसके जैसे लोगो वगैरह पे, और कहीं RGB ना हो, बहुत अच्छा मतलब आपको फील दे, मतलब जो मिनिमलिस्टिक लुक होता है वो काफ़ी अच्छा लुक दे, इकोनॉमिक लुक दे, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। 4000 तक की आपको DPI सेटिंग भी देखने को मिल जाती है। 6 आपको प्रोग्रामेबल बटन भी देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको 5 प्रोफाइल मोड भी देखने को मिल जाते हैं। 1000 हर्ट्ज़ का आपको पुलिंग रेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ना अब बात करें कि ग्रिप एंड ड्यूरेबिलिटी की, तो काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। ग्रिप वगैरह भी काफ़ी अच्छी, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल की आपको देखने को मिल जाती है अपने प्राइस टैग पे रहते हुए। अगर बात करें इसके केबल वगैरह की, तो मैं आपको बता दूं 1.8 मीटर का आपको ब्रेडेड केबल देखने को इसमें भी मिल जाता है, जो कि गोल्ड USB प्लेटेड के साथ आता है, तो काफ़ी अच्छा ये भी देखने को मिल जाता है। बात करें इसके प्राइसिंग की, तो 899 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है अमेज़ॉन पर, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा आपके लिए माउस हो सकता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको ये प्रोवाइड कर देता है। नाउ बात करते हैं लोग अपने थर्ड नंबर के माउस के बारे में। मैं आपको बता दूँ, ये आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से, कॉस्मिक बाइट इक्विनॉक्स अल्फा। बात करें इसके बारे में, शायद मैंने इसका नाम गलत लिया है, तो खैर आप देख लो, मैंने मेंशन करा ही हुआ है। बाकी बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो DPI सेटिंग, वो आप अप टू 5000 तक की DPI सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो। 7 प्रोग्रामेबल बटन भी आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। RGB लुक भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको RGB देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 6 या 7 कलर मोड देखने को मिल जाते हैं। ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाता है, USB प्लेटेड आपको जो गोल्ड प्लेटेड USB इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ग्रिप एर्गोनॉमिक डिज़ाइन मतलब काफ़ी ओवरऑल अच्छा देखने को आपको मिल जाता है। जैसा आपको रेड गियर कहता है, सेम आपको वही सब फीचर ये प्रोवाइड कर देता है, थोड़े और अच्छे ही प्रोवाइड कर देता है। 1000 हर्ट्ज़ का आपको पुलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आपको इसमें गेमिंग सेंसर भी मिल जाता है, Pixart 3050 करके गेमिंग सेंसर वो देखने को मिल जाता है। तो ये आपका ऑप्टिकल गेमिंग माउस है, काफ़ी अच्छी आपको फीचर प्रोवाइड कर देता है। बात करें अगर इसकी प्राइसिंग की, तो मैं आपको बता दूं 1000 रुपीज़ का आपको अमेज़ॉन पर देखने को मिल जाता है, जाके आप वहाँ से बाय कर सकते हो। नाउ अब हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ नंबर के माउस के बारे में। तो ये आता है रापो की तरफ से, रापो V26S। बात करें इसके बारे में, तो आपको इसमें अप टू 7000 DPI सेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप एक गेमर हो, गेमिंग करते हो, तो आप जानते हो कि DPI सेटिंग काफ़ी यूज़ होता है। जितनी ज़्यादा ये DPI सेटिंग्स होंगी, आपको फ्रेम्स और जस्ट टाइम वगैरह होता है, वो भी आपको मतलब एक अच्छा मेंटेन करके दे देगा आपके गेमिंग में, ई स्पोर्ट टाइप की गेमिंग अगर आप करते हो तो। वेल अगर बात करें और थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन की, तो आपको इसमें 1.8 मीटर का ब्रेडेड केबल भी देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आपको RGB लुक भी प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी कि आपको मल्टी कलर ब्रीदिंग मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं RGB में। गेमिंग सेंसर भी इसमें देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा माउस आपको देखने को मिल जाता है ये अपने प्राइस टैग पर रहते हुए। बाकी बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसका जो प्राइस है, तो आपको 1400 रुपीज़ का ये अमेज़ॉन पर देखने को मिल जाता है, जाके वहाँ से बाय कर सकते हो।
बात करते हैं अपने फिफ्थ नंबर के गेमिंग माउस के बारे में और लास्ट अपना गेमिंग माउस। तो यह आता है एंटी स्पोर्ट की तरफ से, एंटी स्पोर्ट्स GM 500। बात करें इसके बारे में तो आपको इसमें 4000 तक की आपको DPI सेटिंग देखने को मिल जाती है। 7 प्रोग्रामेबल एडजस्टेबल बटन भी देखने को इसमें मिल जाते हैं। RGB लाइटिंग भी इसमें देखने को मिल जाती है। काफ़ी तरीके का आप इसमें मोड चेंज कर सकते हो। 16.8 मिलियन कस्टमाइजेशन कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे अपने RGB में। बाकी आपको 1.8 मीटर का सेम इसमें भी आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाता है, जो कि एक गोल्ड प्लेटेड USB इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है इसमें। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप ई-स्पोर्ट वाली लॉन्ग टाइम में गेमिंग करते हो तो काफ़ी अच्छी आपकी ग्रिप रहेगी, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये माउस आपको देखने को मिल जाता है। इसमें सेम आपको 1000 हर्ट्ज का आपको पुलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। 3050 अवागो गेमिंग सेंसर भी देखने को इसमें मिल जाता है। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छे आपको फीचर प्रोवाइड कर देता है। बाकी बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो 1500 इसका प्राइस है, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर आप इनकी साइट पर जाकर देखोगे तो ये माउस आपको 1200 तक का देखने को मिल जाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से COVID-19 और ये सब चक्कर जितनी हो रही है तो आपको अमेजोन पर फिलहाल आपको 1500 का देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो सकता हो ये आपको 1200 या 1300 रुपीज़ का भी देखने को मिल जाए। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितने भी मैंने आपको ये माउस बताए हैं 500 under 1500 rupees माउस, ये सारे ही आपके बजट के हिसाब से, जैसा आपका बजट उस हिसाब से आप जा सकते हो इनकी तरफ। काफ़ी अच्छे माउस है, किसी तरह का आपने प्राइस टैग पे रहते हुए जो परफॉर्मेंस ये दे रहे हो उस हिसाब से आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। काफ़ी अच्छे माउस हैं, आपको RGB भी मिलती है देखने को, जो गेमिंग सेंसर है वो भी देखने को मिल जाते हैं, जो DPI सेटिंग वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी और जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अपने प्राइस टैग पे रहते हुए काफ़ी अच्छे सारे ही माउस आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपका जैसा बजट हो आप उसकी तरफ जा सकते हो। तो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग डालते रहते हैं रोज कमाल कमाल की कॉन्टेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।